नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 2022 में। इस बार जो लड़ाई है बहुत ही कांटे की लड़ाई है। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, ओवैसी, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर आ गई, तो बहुत ही कांटे की लड़ाई है। और जनता का माहौल जानने के लिए इस समय हम हैं बनारस के लहरतारा में। आइए, यहाँ पर जनता हमारे साथ युवा है, उनसे जानते हैं क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार यहाँ के लोग चाहते हैं, बताइए क्या माहौल इस बार यहाँ पर है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 2022 में पुनः महाराज योगी आदित्यनाथ जी वापसी कर रहे हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा पुनः सरकार बना रही है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 400 सीट हम लेके आएंगे। देखिए, विपक्षियों के पास तो कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। खाली उनका 2017 में भी यही कहना था कि हम 300 प्लस रहेंगे, तो उड़ गया सब कुछ। और इतना विकास हुआ है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने इतना विकास किया है उत्तर प्रदेश में। निश्चित रूप से हर व्यक्ति, हर बच्चे बच्चे के मुंह में है कि फिर एक बार योगी सरकार। क्या विकास हुआ है? अखिलेश यादव बोल रहे काम हम करते थे, योगी जी तो बस फीता ही काट रहे। देखिए, पिछले आप, मैं काशी से हूँ तो काशी की बात पहले करूँगा। सामने घाट रामनगर पुल ले लीजिए, पिछले 15 सालों से अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह जी रहे, उनकी सरकार बीत गई, पुल का शिलान्यास हुआ, बन रहा था पुल, फिर मायावती की सरकार आई और पुल बनता ही रहा, और फिर अखिलेश यादव जी पुनः चुन के आए जब वो पुल बनता ही रहा। मतलब 15 सालों में जो पुल नहीं बना पाया वो विकास क्या बात करते हैं, वो प्रदेश क्या बनाएगा। तो ऐसे ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, एक उदाहरण था ये छोटा सा। बाकी आपको मैं बता दूं, काशी में ही मंडुआ डी स्टेशन, जो अब बनारस स्टेशन के रूप से नाम से जाना जाता है, कोई चला जाए, कोई 10 साल बाद, 5 साल बाद वहाँ वापस आ जाए तो वो पहचान नहीं पाता है कि मैं बनारस की उसी मंडुआ डी स्टेशन पर खड़ा हूँ। वो कहता है कि क्या भाई, कहीं एयरपोर्ट चले आए क्या? बनारस आप पिछले 5 साल पहले देख लीजिए, आप बाबतपुर हवाई अड्डे से उतर के जब आते थे शिवपुर होते हुए तो क्या स्थिति थी, और आज हाईवे है, इतना बढ़िया उन्होंने बना दिया मोदी जी ने उसको कि आज पर्यटक की दृष्टि से लोग वहाँ फोटोग्राफी कराने जाते हैं। ऐसे कई विकास हैं, मैं उंगलियों पर नहीं गिना सकता इस विकास को। बगल में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना है, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है, वो इतना खूबसूरत जापान के इंजीनियरों द्वारा तैयार हुआ है। और उसी के बगल में अभी एक नया है संपूर्णानंद स्टेडियम, जो इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है अभी कुछ दिन पहले ही। ये बताइए, जो नरेंद्र मोदी हैं, कई लोग बोल रहे थे कि बहुत ही 56 इंच का सीना है, लेकिन कृषि कानून वापस हो गया है, अखिलेश यादव बोल रहे कि हमारी जो विजय यात्रा है उसे डर के वापस। देखिए, मोदी जी तो किसी से डरने वाले नहीं हैं, कई देशों को डरा के रखे हैं। चीन जैसा देश हड़कता है भारत से तो मोदी जी के वजह से डरता है, मोदी जी के नाम से हड़कता है। मोदी जी को हड़का पाना एक छोटे से साधारण से ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच नहीं जा सकता, कहना तो बहुत दूर की बात है कि मोदी जी को किसी ने डरा दिया हो। आप बताइए सर, क्या अखिलेश यादव की सरकार थी, उससे पहले मायावती की थी, अभी योगी जी की है, कौन सा सही लगता है? मोदी जी की सरकार विकास कर रहे हैं, बाकी सर मोदी जी ने यहाँ बहुत से विकास किए हैं। यहाँ के पहले सड़कें देख लीजिए, कहीं भी आने जाने में जहाँ यहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाने में जो 4 से 5 घंटे लगते थे, अब से 1.5-2 घंटे में हम लोग चले जाते हैं। यहाँ उन्होंने एयरपोर्ट के जो रोड हैं वहाँ पे पहले मतलब वैसे रोड कोई अच्छे थे ही नहीं, लेकिन जब से मोदी जी ने यहाँ सरकार आई है तब से यहाँ पे उनके वजह से बहुत बहुत विकास हुआ है। जब प्रियंका गांधी भी इस बार आ रही हैं, बोल रहे हैं कि हर परिवार को जो कोरोना से पीड़ित हुए थे, मतलब सबके जॉब वॉब गई थी, तो 25,000 सबको देंगे, लड़कियों को स्कूटी देंगे। कोरोना का जब भीषण समय था तब तो वो अपने घर में दुबके हुए थे, तब तो उनके कार्यकर्ताओं का नहीं पता चलता था, उनकी तो बहुत दूर की बात है। और
व्यक्ति से अगर हर घरों में जाएंगे तो जरूर पाएंगे कि भाजपा कार्यकर्ता किसी ना किसी मदद के रूप में, चाहे वो राशन किट बांटना हो, चाहे भोजन पहुंचाना हो, हर घर में लगा रहता था। स्टेशन पे कैंप लगा के जो यात्री बाहर से आ रहे थे लॉकडाउन के समय, उनको पानी वितरण करना, राशन वितरण करना, चप्पल पहनाना आदि का काम भाजपा की सरकार में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा हुआ है। तो प्रियंका जी का आना और ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ की जनता को। आपको देखिए क्या लग रहा है, योगी जी का काम कैसा लगता है? योगी जी का काम तो बहुत ही अच्छा है और आने वाले टाइम में योगी जी की सरकार आने वाली है, ये हम लोग सभी लोग मिल के कामना करेंगे। क्या काम अच्छा लगता है? उनकी लोग का तो सब काम अच्छा है, सड़क देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए, हर चीज़। अभी रिंग रोड नया नया बना, अभी उद्घाटन जी मोदी जी आए थे अभी 25 तारीख को, उद्घाटन करके गए हैं, उसका फीता काट रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, अखिलेश यादव हम बनवाए थे, योगी जी फीता काटे? नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, जिसकी सरकार थी जो काम किया अब उसका मान्य होगा, इसमें पीसी का वो मान्य नहीं। फीता नहीं होता, फीता काटना मायने नहीं रखना। मैंने गिराया ना 15 साल पहले फीता, मुलायम सिंह जी ने काटा था सामने घाट रामनगर पुल का, 15 साल में नहीं बन पाया। और ये हाईवे देखिए 5 साल के अंदर बन के तैयार हो गया और उस पर हवाई जहाज भी उतर गए। तो फीता काटना कोई बड़ी बात नहीं है, काम किसने किया, काम किसके कार्यकाल के दौरान हुआ, ये मायने रखता है। सिद्धार्थ जायसवाल, अभी बी फार्मा कर रहे हैं। ये बताइए, योगी जी की सरकार है, अखिलेश यादव की सरकार थी, क्या अंतर है? पहले जो स्वच्छ भारत अभियान जो यहाँ पर था वो पहले नहीं था, जब से आए हैं तब से स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू बहुत अच्छा यहाँ काम चल रहा है, सफाई बहुत अच्छा हो गया यहाँ पर, नगर निगम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जो पहले कभी नहीं होता था, जो केवल एक बार झाड़ू लग गया तो लग गया, नहीं तो अब तो स्वच्छता के नाम बहुत अच्छा है, बिजली अच्छी हो गई, पानी भी अच्छा हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने पंचुअलिटी बहुत ही अच्छी आ गई है। अब वो किसी भी मामले में ग्रोथ के ले लीजिए, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट को ले लीजिए, जैसे पहले की जो गवर्नमेंट थी प्राइमरी स्कूलों की बात कर लेते हैं, आप चले जाइए वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ पता ही नहीं है। अभी आप चले जाइए जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पे आप चले जाइए तो देखेंगे प्राइमरी स्कूल किसी गवर्नमेंट स्कूल से कम नहीं है। जो पहले टीचर्स जाते थे अटेंडेंस का कोई वैल्यू ही नहीं था, गए बैठे टाइम पास किए चले, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या है, बच्चों के अटेंडेंस के साथ टीचर्स की अटेंडेंस भी जाती है, हेड ऑफिस जाती है, तो इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा। यूँ कह लीजिए कि धीरे धीरे ही अगर हमें बदलाव करना है तो हम धीरे धीरे ही बदलाव करेंगे, आप कहिए कि अचानक हम बदलाव कर लें तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप पहले की तुलना अपेक्षा में आप प्राइमरी बच्चों की बात कर लीजिए और अब की अपेक्षा में बात करिए तो आप खुद पाएंगे कि अब के जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और मतलब हर चीज़ में देखा जाए उनका वोकेशनल देख लीजिए, एजुकेशन सेक्टर देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है इन सब चीज़ों में। विपक्ष बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। देखिए अगर आप कुछ करेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन कितने दिन तक महंगाई देगी आप हमें ये बताइए। कुछ अच्छा करने के लिए कुछ तो त्याग करना पड़ता है, तो बस यूँ ही समझ लीजिए। बाकी मैं क्या बोलूँ अन्य पार्टी के बारे में। मुझे अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बिजली फ्री देंगे हम, इस तरह की बातें हो रही हैं, फर्क पड़ेगा? अब ये तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि बिजली फ्री देंगे तो फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब बिजली फ्री देंगे तो वो कुछ और फिर कहीं से बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाएंगे कहीं से और कुछ फिर लेंगे, घर से अपने कोई थोड़ी देगा, सीधी सी बात है। दिल्ली में भी तो ऐसा था, लेकिन ठीक है, सही है, उतना भी नहीं है लेकिन ठीक ही है। आपको जैसे बिजली वगैरह फ्री देंगे, प्रियंका भी पैसा देंगे, स्कूटी देंगे, तो ये सब असर पड़ेगा? कोई देगा नहीं, वो बोल रहे हैं, वो खाली जीतने के लिए बात है बस, कुछ देगा कोई नहीं कहा जा सकता है। घोषणा पत्र हर लोग देते हैं, कोई ये नहीं है कि सब 100% होता ही है। मध्य प्रदेश में क्या 100% हो गया, बहुत बड़ा घोषणा पत्र वहाँ पर किया गया था, लेकिन वहाँ पर भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कृषि कानून वापस हो गया, क्या कहेंगे? ऐसा होने से कुछ नहीं होता है, कृषि प्रधान देश है हम लोग का, कृषि पे 70% लोग चल रहे हैं, 63% लोग, 60% ऐसा नहीं, किसान के पक्ष में अगर जा रहा है तो कोई मोदी जी कुछ सोच के ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि उनसे वो डर गए हैं, किसानों से चाहे छोटे छोटे पार्टियों से डर गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बड़े बड़े लोग उनसे डरते हैं, इतने बड़े बड़े देश डर जा रहा है, तो एक मामूली छोटे पार्टी वालों से क्या डरेंगे वो।